हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था कि मैथमेटिकल लॉजिक का जो लेक्चर नंबर 3 है, वहाँ पे हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। आज का 4th पार्ट देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में देखिए टोटल 10 फार्मूलास आपको लर्न करने हैं। पहली बात तो स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है कि 10 चीज़ें याद कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए, जो यहाँ पे मैंने साइड में लिखा हुआ है, इसको पहले आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा है कंडीशनल, DAD मतलब डेड, कंडीशनल डेड एसोसिएटेड टू ICICI बैंक, कंडीशनल डेड एसोसिएटेड टू ICICI। अब यहाँ पे देखिए, इसका मैंने फुल फॉर्म भी यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं, ये इसके फुल फॉर्म है। तो वन बाय वन मैं इसको रीड आउट करता हूँ। सी कंडीशनल स्टैंड फॉर द कंडीशनल लॉ, डी स्टैंड फॉर डी मॉर्गन लॉ, ए स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन लॉ, डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडम पोटेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एंड इवोल्यूशन लॉ। ये लॉ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बिकॉज इस लॉ के बेस पे जो है हम अपने जो थ्योरम से सम से उसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पे मोस्टली एक सीक्वेंस आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद ऑलवेज हम अप्लाई करते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, और उसके बाद अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो DCI आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये हमको सब में यूज होने वाला है। इसके बाद हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले, पहले ये टेबल करेंगे। यहाँ पे कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ और डी मॉर्गन लॉ मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशनल लॉ में क्या होता है, अगर पी इम्प्लाइज क्यू है, पी इम्प्लाइज क्यू इज सेम एज निगेशन ऑफ पी और क्यू। सेकेंड बाय कंडीशनल लॉ है, बी डबल इम्प्लाइज क्यू, तो ये क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। बिकॉज बाई कंडीशनल है तो क्या होगा, पी का एरो क्यू पे जाएगा और क्यू का एरो पी पे आएगा। फिर आफ्टर डैट क्या किया गया, इसी पे हम लोगों ने कंडीशनल लॉ अप्लाई किया है। तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू, और क्यू इम्प्लाइज पी क्या होगा, निगेशन ऑफ क्यू और पी। आफ्टर डी मॉर्गन लॉ को हम लोग निगेशन लॉ भी बोलते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, ये क्या होता है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, और निगेशन ऑफ पी और क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। और इसके साथ साथ डी मॉर्गन लॉ को निगेशन लॉ बोलते हैं। अभी इसी वीडियो हम लोग देखेंगे कि निगेशन के रूल क्या होते हैं और लॉस क्या होते हैं, वो भी मैं आपको टीच करूँगा। आफ्टर सेकेंड टेबल फोकस करेंगे, जिसे मैंने एक्सप्लेन किया, एब्जॉर्प्शन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, इनमें कॉमन क्या है देखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन लॉ में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पी और पी ट्वाइस आया है, तो उसमें क्या होता है, एंड और दोनों रहेगा। एब्जॉर्प्शन लॉ में एंड और दोनों रहेगा, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एंड और रहेगा। तो अगर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ की बात करेंगे तो पी ट्वाइस आया तो आंसर आपका पी हो जाएगा, यहाँ पर भी पी दो बार रिपीट हुआ तो वहाँ पर पी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो, मैंने रेड कलर से मेंशन किया पी एंड ब्रैकेट में क्यू और आर, तो ब्रैकेट के जो आउटसाइड पी एंड उसका मल्टीप्लाई क्यू के साथ लेंगे और पी एंड को हम लोग आर के साथ लेंगे, ऐसे ही सिमिलर और का भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, या तो आपको सिंबल एंड रहेगा या तो फिर आपको और रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमेशा क्या होता है, या तो आपको और रहेगा या तो आपको एंड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एंड का सिंबल है, तो एंड के सिंबल में क्या क्या, पहले क्यू एंड और आर पे ब्रैकेट है, उसके बाद पी एंड क्यू पे ब्रैकेट है, उसके बाद ब्रैकेट ही गायब है। सिमिलरली और में भी किया गया है। आफ्टर यहाँ पे देखें तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, पी एंड क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एंड पी। आफ्टर डेट पी और क्यू इज सेम एज क्यू और पी। आफ्टर दिस ये लॉ देखेंगे, चार यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉ आपको दिख रहे होंगे, इस लॉ पे फोकस करेंगे और इसको मैं टेक्निक बताता हूँ आप लोग ऐसे इसे कैसे याद रखेंगे। आइडेंटिटी लॉ, तो पी एंड टी, पी ए टी पैट, पैट का हमेशा पी आएगा। सेकंड पी एंड सी, पैक केक, पैक केक, तो केक सी से स्टार्ट होता है, तो पी ए सी पैक केक। पी वी सी प्लास्टिक, तो यहाँ पी आएगा, पी वी सी प्लास्टिक। प्राइवेट ट्यूशन, यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट ट्यूशन, इसकी ट्रिक है, रिपीट करता है आइडेंटिटी लॉ में। पी ए टी है तो पैट का पी आएगा,
पी पैक केक हो जाएगा सेकंड, थर्ड पीवीसी प्लास्टिक एंड फोर्थ प्राइवेट ट्यूशन पीवीटी। और यहाँ पे देखिए सी की जगह समटाइम्स क्या हो सकता है, एफ वर्ड आ सकता है एग्जाम में। कॉम्प्लीमेंट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पी एंड निगेशन पी होगा तो आपका सी आएगा, पी और निगेशन पी, एंड के केस में सी आएगा और के केस में टी आएगा। तो इसको कैसे याद रखोगे, देखिए ए सी मतलब एंड आया तो उसके साथ क्या आएगा सी, वी टी अगर वी आएगा तो आपको क्या आएगा सी। तो यहाँ पर देखिए वी मतलब और आया तो आपको टी आएगा, वी टी स्टेशन, ए फोर ए सी। तो ये याद करने का टेक्निक है। आफ्टर एडम्पोर्टेंट लॉ, एडम्पोर्टेंट लॉ में क्या होता है, अगर पी एंड पी है तो आंसर पी आएगा, पी और पी है तो पी आएगा। इन्वोल्यूशन लॉ बहुत ही इजी है, दोनों का निगेशन साथ में गायब हो जाएगा तो ये इन्वोल्यूशन लॉ। आफ्टर हम लोग देखेंगे निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, बिकॉज इसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला होता है निगेशन ऑफ कंजक्शन, तो निगेशन ऑफ कंजक्शन का फार्मूला आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, अगर निगेशन ब्रैकेट में पी एंड क्यू है सो दिस इज सेम एज निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। सेकेंड आपका निगेशन ऑफ डिजक्शन, निगेशन ऑफ डिजक्शन आप लोग देखेंगे तो निगेशन ऑफ पी और क्यू, और लगाया तो डिजक्शन, तो ये क्या हो जाए निगेशन ऑफ पी और का एंड निगेशन ऑफ क्यू। आफ्टर डेट जो आपका थर्ड लॉ है वो क्या है आपका निगेशन ऑफ निगेशन, तो निगेशन ऑफ निगेशन है दोनों निगेशन क्या हो जाए गायब हो जाए तो आपको पी आएगा। आफ्टर डेट यहाँ पे हमें क्या दिया निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन में इफ देन का साइन, इफ का देन का साइन होता है, तो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू सेम एज पी एंड निगेशन क्यू, जहाँ पे एरो आएगा वहाँ पे क्यू आएगा। बट अगर कंडीशनल लॉ की बात करेंगे तो निगेशन पी पे आएगा और का साइन आएगा, बट निगेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे निगेशन क्यू पे आएगा। अब डबल इम्प्लीकेशन में क्या हो रहा है, डबल हेडेड एरो है तो एक बार निगेशन पी के साथ आया हुआ है और एक बार क्यू के साथ, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू। आफ्टर डेट चैप्टर का क्या एप्लीकेशन पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी जो टेबल है देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेबल यहाँ पे अलजेब्रा स्टेटमेंट का टेबल यहाँ पे है, आप लोग इजीली देख सकते हैं जो मैंने टेबल आपको एक्सप्लेन किया है, ये पूरा अलजेब्रा अलजेब्रा स्टेटमेंट का जो मैंने आपको टीच कर दिया है। इसके लिए आपको याद रखना है कंडीशनल डेट एसोसिएटेड टू ICICI। आफ्टर डेट इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जो आपकी बुक में है, एक क्या है आपका स्विचिंग सर्किट है, एक क्या है पैरेलल के केस में। जब पैरेलल रहेगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में ऐसा होता है पैरेलल के केस में हम लोग और का सिंबल यूज करते हैं, आप लोग यहाँ पे टेबल में देख सकते हो पैरेलल के केस में, और दूसरा सीरीज के केस में होता है। और अगर सीरीज के केस में रहेगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सीरीज के केस में ऐसा कनेक्टिव रहेगा और इसके बीच में एंड का सिंबल यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, इस इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।